गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज का व्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। आज है 31 दिसंबर, तो साल का आखिरी दिन है ये। एक व्लॉग मैं सुबह शूट कर चुकी हूँ, अभी मैं शाम से फिर से शूट कर रही हूँ आज का दिन। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। तो अभी मैं जो गाजर रखी थी, वैसे तो ये गाजर के हलवे के लिए नहीं आई थी, तो ये ऐसे ही मतलब कि सलाद में खाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, इसीलिए मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो अभी मेरी सफाई वाली आ गई थी शाम के बर्तन करने के लिए, तो मैंने उसकी हेल्प ले ली है। और हलवा बनाने में जितनी मेहनत लगती है उससे कहीं ज़्यादा वो टेस्टी लगता है। और मेहनत तो है हलवा बनाने में घर पर, लेकिन जो मार्केट वाला है वो तो अलग ही बात होती है। लेकिन जो घर में बना के हम खाते हैं उसका स्वाद तो अलग ही होता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो हर साल मैं बनाती हूँ, ज़रूर 2-3 बार बन जाता है, लेकिन इस बार तो अभी तक एक बार भी नहीं बना। और 31 तारीख को हमेशा मैं ज़रूर बनाती हूँ। पहले मेरी मम्मी भी बनाती, अब तो नहीं बनाती है। रात को प्रोग्राम देखती थी तो 12 बजे तक वो बना के तैयार कर देती थी, तो बस वही यादें याद आ रही हैं। तो अभी हम बस दोनों के दोनों बातें करे जा रहे हैं, इधर उधर की क्या क्या चल रहा है, ये सब कुछ कुछ बातें हो रही हैंगी। तो मैं उससे पूछ रही थी क्या क्या बनाएगी, क्या क्या करेगी। तो बस मैंने गाजर छील छील के उसको दे दी है, उसने कद्दूकस की है, तो अभी वो कद्दूकस कर रही है। तो मैंने सोचा चलो जो कपड़े मेरे धुल गए हैं सेकंड बार, जो मैंने आज मशीन लगाई है वही, तो बस मैं वही सुखा रही हूँ। और सुखाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पूरे सारे सारे तार भर गए हैं। और अभी रात का टाइम है, तो मैं अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो मैं बाहर वाले तार पर तो नहीं डालूँगी कपड़े, क्योंकि वो ओस में फिर दोबारा गीले हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं बनता। तो अंदर की जो 3 तार है बस उन्हीं पर मैं कपड़े डालूँगी, और जो अंदर के 3 तार है उस पर कपड़े नहीं आए थे। तो फिर मैंने जो जितनी भी टी शर्ट थी तो वो सब मैंने हैंगर में डाल दी हैंगी। अगर आपके पास जितनी मतलब स्पेस कम हो तो इस तरीके से भी आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं, ये भी ट्रिक अच्छी है कपड़े सुखाने की। और ये है मेरी दीदी का बेटा, तो इधर उधर वो भी घूम रहा है, देख रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग क्या नहीं। तो बस सुनीता उसी से बात कर रही थी बीच बीच में, और वो मैं अंदर से अभी हैंगर लेने गई थी कि चलो हैंगर में कपड़े डाल देती हूँ। और जब हम ऐसे मिलके काम करते हैं तो अच्छा लगता है काम करने में, बातें करते करते कब काम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस अभी मैंने उसको कुछ सामान लाने के लिए मार्केट में दुकान पे भेज रही हूँ, कुछ मतलब कि दूध लेके आने के लिए, कि गाजर के हलवे के लिए कि दूध ले आई हो, चीनी ले आई हो, चीनी कम थी। तो ये दूध है फुल क्रीम दूध, मैंने उबलने के लिए रख दिया है, और ये 3 किलो है दूध, और ये गाजर है 1.5 किलो। तो मैं इसी तरीके से अंदाज़ा रखती हूँ जब भी गाजर का हलवा बनाती हूँ, मतलब जितनी गाजर होती है उसका डबल दूध कर लेती हूँ। और ड्राई फ्रूट मैंने ये किशमिश और काजू बादाम है मैंने भिगो के रख दिए हैं, और एक साइड दूसरा भी मैंने दूध गर्म कर दिया है कि कॉफ़ी बनानी हो, चाय बनानी हो इसलिए। और मैं जैसे कि किचन में आई तो बाद में मेरे हस्बैंड, मेरी बहन का बेटा, वो सब भी आ गए थे, और मिलके ऐसे काम करते अच्छा लगता है। तो वो बोल रहे थे कि पकोड़े बनाने के लिए, तो आल की प्याज बोलते हैं इसको, तो हम पकोड़े बना रहे हैं। जैसे गानों की आवाज़ आ रही थी, नहीं तो मैं आज सोची थी कि मतलब जो ओरिजिनल हम बीच में बातें करते हैं वही मैं वीडियो में रखूँ, लेकिन पीछे से गानों की बहुत आवाज़ आ रही थी, इसी वजह से मुझे म्यूट करनी पड़ी। तो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं आल की प्याज के पकोड़े, तो उन्होंने आल की प्याज के पकोड़ों में बेसन डाला है, फिर उसमें कुछ मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर बहुत सारा डाला है, और फिर नमक डाला है उसमें, और हरी मिर्च काट के डाली है। तो न्यू ईयर की शाम को बन रहे हैं पकोड़े, गाजर का हलवा, तो बस हम इसी तरीके से इंजॉय कर रहे हैं शाम को। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, कैसे आपकी हैप्पी न्यू ईयर की रात बीती थी वो मुझे शेयर करना, दिन कैसे बीता था वो ज़रूर शेयर करना। तो अभी मेरी बहन का बेटा माम दस्ते में मतलब बादाम को कूट रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि बस मेरा वीडियो बनाना का ही काम रह गया, खाने से तो मुझे मिल गया छुट्टी, और कि ये सब भी बना रहे हैं, नहीं तो मैंने सोचा था मैं बनाती हूँ, तो किचन में तो आई इसी लिए थी, लेकिन आके ये दोनों उन्होंने शुरू कर दिया है। तो बस अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसमें पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती पकोड़े में कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं लगता है। तो बस अभी ये हाथ से करके देख रहे हैं कि भी मतलब गोला जिसमें गोला के आकार में वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, चिपक तो नहीं रहा, बेसन की और ज़रूरत तो नहीं है, ग्रीन होनी है ना, पत्ते वाली ग्रीन होनी है ना। से
तो सरसों के तेल में हम लोग पकोड़े बना रहे हैं, तो लोहे की कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, तो बस वो तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद कम आँच पे इस पकोड़ों को बनाएंगे। दूध अच्छे से उबल गया है और मतलब उबल ही रहा है, उसके बाद बस मैं इसमें गाजर मिक्स कर दूंगी तो दिखाऊंगी आगे आपको। तो अभी बस एक पकोड़ा डाल मतलब इसमें डाला है और मतलब कि देख रहे तेल कैसे गर्म हुआ है या नहीं, अच्छे से गर्म हो पाया नहीं, तो इस तरह से चेक कर लेना चाहिए एक पकौड़ा डाल के, फिर उसमें ये भी अंदाजा होता है नमक और भी ठीक है कि नहीं, कुछ कमी तो नहीं है। तो आप सभी खा लीजिए पकोड़े, गर्मा गर्म काफ़ी अच्छे बने हैं और टेस्टी पकोड़े हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। कैसा लगा? दूध गर्म हो गया है तो उसमें मैं गाजर है वो डाल दूंगी और इसको बीच बीच में मैं चलाती रहूंगी, गाजर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर मतलब कर दूंगी दूध के साथ। और मैं इसी तरीके से हलवा बनाती हूँ और काफ़ी अच्छा हलवा बनता है, टेस्टी बनता है, तो मैं पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गाजर के हलवे की। गाजर को अच्छे से दूध में पकाते हैं तो उसका स्वाद अलग ही होता है कि खोए की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर चाहो तो बाद में खोआ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं खोआ इस्तेमाल नहीं करूँगी, प्रॉपर दूध में ही बनाऊँगी। कई लोग अलग तरीके से बनाते हैं कि गाजर को सिर्फ उबाल के और उस तरीके से बनाते हैं। इसमें है ना गर्म पानी, ये ले ले। तो अभी बन रहे हैं मतलब तैयारी चल रही है पनीर के पकोड़ों की, तो इसमें बेसन और इसमें सूजी मिलाई है साथ में, तो सूजी के साथ क्रिस्पी बनते हैं ये पनीर के पकोड़े इस वजह से। और तो अभी मुझे ये बोला था डेमो, ये डेमो बना रहा हूँ कि मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो इसकी वीडियो मत बनाओ, मगर नहीं डेमो की भी बनती है यहाँ पर वीडियो, तो इसलिए कि ख़राब होगा तो मैं ख़राब दिखाऊँगी लोगों को कि ये देखो कैसे ख़राब बना है हमारा, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे हम सीखेंगे किसी भी चीज़ को। तो हो सकता है एक बार अच्छी ना बने दूसरी बार अच्छी बन जाए, लेकिन इसने पहली बार में ही काफ़ी अच्छा बनाया था। कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस कर रहा है। नमक देखो प्याज पनीर तो होगा नहीं, जो होगा बेसन ही होगा। कैसा है? ठीक है, नमक सब डाल दिया, थोड़ा सा मुझे भी दे दो यार। जोरदार बना है क्या? खाली पकौड़े खा के देखो। हाँ इसी में चाट मसाला डाल दो ना। एक तो गैस बार बार बंद कर देते हो तो रेडी नहीं होता ना, सारे शेफ यहीं से निकलोगे।
बस 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 हो गया मेरे पास खाना बाहर आ गया। गाजर मैंने डाल दी इसमें और अभी ये उबल रहा है, धीरे धीरे इसी तरीके से पकता रहेगा। तो गाजर के हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, कम से कम तो ये लगता है कि 4-5 घंटे से ऊपर ही लग जाएगा, उससे कम नहीं। इसे आँच पे रख रखा था मैंने और ये धीरे धीरे उबल रहा है, चला के लास्ट वाला जो है ये बना रहा है अभी। और मेरे हस्बैंड इतने आग जला रहे थे और बस अभी आग जला के हम लोग बाहर थोड़ा बहुत खाएंगे, डांस वांस करेंगे, इंजॉय करेंगे। आप सभी ने इस तरीके से इंजॉय किया है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हो, करना चाहो तो हमें खुशी मिलेगी कि 31st आप लोगों ने किस तरीके से इंजॉय किया है। हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही घर पर ही बस पकोड़े वकोड़े बनाए हैं, आग जला ली है बस। अभी तक तो यही है हमारा प्रोग्राम, आगे देखते रहना और क्या क्या करने वाले हैं हम आगे, और वीडियो को फुल वॉच करना ज़रूर। धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जैसे कि आपको निशान दिख रहा होगा कि यहाँ तक था ऊपर तक, तो अब थोड़ा कम मतलब काफ़ी कम हो गया है। तो मैं सिम गैस रखी है
कम आँच पे है और धीरे धीरे ये पक रहा है। और हमेशा मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी बनता है मेरा गाजर का हलवा। बस इसको बीच बीच में जो कि चलाना पड़ता है कि स्टील के बर्तन में एक तो मैं बना रही हूँ और नीचे लगने का डर है, और बीच बीच में बस मैं चलाती जा रही हूँ इसको, ऐसा नहीं कि एक बार बस लगा के छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं बीच में मैं चेक कर रही हूँ कि लग ना जाए। अभी तक तो नहीं लगा है, जैसे कि पता लग जाता है कि नीचे लगा है कि नहीं, तो अभी तक तो नहीं लगा है। तो बस अंदाजे से मैंने अभी इसमें चीनी मिक्स कर दी है, और जितनी मैंने चीनी डाली परफेक्ट चीनी थी, चीनी है मतलब कि मैंने इतने मतलब कि 1.5 किलो गाजर में मैंने 3 किलो दूध लिया है, 1.5 किलो गाजर में मैंने 3 किलो दूध लिया है, और 1.5 कटोरी आपको दी है, मतलब 1.5 कटोरी से कम ही मैंने इसमें चीनी डाली है। तो ये ड्राई फ्रूट है, तो अभी मैं साथ में बस इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दूँगी। ये मैंने काजू है थोड़े से, आप इसको घी में भी फ्राई करके डाल सकते हो, इस तरीके से भी डाल सकते हो। तो ये बादाम है, बादाम अच्छे से कूटे नहीं, मतलब कि पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, छिलका उतार के तब करना था, तो बस ये थोड़ी सी कम ही रह गई है, लेकिन थोड़े से बड़े बड़े ही जब मुंह में आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। हाँ, इसके दाग ना हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं कि जब मुँह में आए ड्राई फ्रूट तो पता लगता है। अभी मूवी देख देते हैं, यहाँ पे हो गई थी कुछ गड़बड़, तो मैंने पतीले में जो मैंने गाजर का हलवा रखा था वो नीचे से थोड़ा सा लगने लग गया था, तो फिर मैंने चेंज कर दिया है इसमें। अब गाजर का हलवा ज़्यादा था तो मैंने अलग से उसको निकाल दिया है दूसरे बर्तन में आधा। जब ये अच्छे से पक जाएगा, दूध बिल्कुल मतलब सूख जाएगा, ये मतलब कि दूध बिल्कुल इसमें गाजर में मिक्स हो जाएगा और सूख जाएगा, उसके बाद मैं उसको भी इसी में मिक्स कर दूँगी। ये अलग से आपने देख रहे हो कटोरे मैंने निकाल दिया है, क्योंकि अच्छे से इसमें मिल नहीं रहा था, फेट नहीं रहा था, तो इसीलिए तो मूवी के चक्कर में ये हो गई गड़बड़, मतलब कि पिज़्ज़ा खाते खाते। और बस, और ये एक्सपीरियंस भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि मूवी देखते देखते देखो क्या हो गया है,
ये मेरा हलवा जो है लग गया है, तो बिल्कुल भी इसमें अब ये सूख गया है, तो अभी जो दूसरा वाला है वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। तो अभी जो कटोरे में था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और इसको भी इसी तरीके से अच्छे से पका लूँगी। और ड्राई फ्रूट तो मैंने इसमें पहले मिक्स कर दिए थे और चीनी भी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे दोस्तों और फैमिली के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी आप सभी को, और वीडियो को फुल वॉच करना। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर देना। तो अभी गाजर का हलवा बन के हो गया है तैयार, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बाय बाय।